वेलकम टू द परफेक्ट क्लास। आज हम सीखेंगे परफेक्ट क्लास एनसीईआरटी 10 है और चैप्टर 5 है इसमें। तो 5 का 5.2 है जिसमें से हम करेंगे उसे समांतर श्रेणी, जैसे कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें एक बॉक्स दे रखा है, इसमें जो फिल्स खाली जगह दे रखी है इसे फिल करना है, कम्प्लीट करना है यहाँ पर। तो ये अर्थ समांतर श्रेणी है, इसे हम कम्प्लीट करेंगे। तो इसके लिए एक सूत्र होता है जिसे कम्प्लीट करते हैं। तो हम पहले इसमें दे रहे फर्स्ट वाला फर्स्ट, तो यहाँ दे रखा है ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8, एन ए एन बराबर। तो हमें फाइंड करना है ये वाला यहाँ पर। तो यहाँ नंबर्स दे रखा, लेकिन यहाँ वाला हमें नहीं दे रखा। तो उसके लिए हमें दे रखा क्वेश्चन मार्क, इसे हम फाइंड करेंगे एंड इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 और डी। ये इसका सूत्र है। इस सूत्र से ही हम इन सब दोनों के नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। ये सूत्र हमने रखा, तो ए एन तो हमें फाइंड करना है। तो ए एन जैसे ही रखेंगे, ए ए हमें दे रखा है 7, 7 प्लस एन दे रखा है 8, 8 माइनस 1 और डी हमें दे रखा है 3, क्या रख देंगे 3। ए एन बराबर 7, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 7, और ब्रैकेट हट जाएगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। ए एन 7 प्लस, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 7 थ्री जा 21, उनको प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर इज ए एन बराबर 7128। ये इसका आंसर है जो कि यहाँ आएगा। जैसे ही हम सेकंड वाला भी निकालेंगे, तो पहले हमने इसका आंसर निकाल लिया, इसका आंसर आ गया 28। एंड सेकंड ही दे रखा, तो हमें फाइंड करना ये, उसमें ए एन उसने दे रखा, लेकिन उसने डी हमें नहीं दिया, डी वाला फाइंड करेंगे। तो हम दे रहे सेकंड वाला, तो सेकंड दे रखा है ए बराबर माइनस 18 और डी बराबर, ये फाइंड करना, इसे हम फाइंड करेंगे। एन एन बराबर 10 एन ए एन बराबर 0, फॉर्मूला वही रहेगा, यही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला रखेंगे अपन। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और ब्रैकेट 1 एन डी, ये फॉर्मूला रखा। ए एन हमें दे रखा है 0, तो यहाँ रखेंगे 0 और ए हमें दे रखा है माइनस 18, माइनस का 18 प्लस एन, एन दे रखा है 10 माइनस 1 और डी दे रखा है हमें, डी हमें फाइन करना है, डी हम फाइन कर, तो ये हमें फाइन करना है, ठीक है। अगले स्टेप में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, 10 माइनस 1 हो जाएगा 9 और ये डी इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 डी हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 9 आ गया और डी का मल्टीप्लाई आ गया। इन सेकेंड स्टेप में करेंगे, इस माइनस 18 को उठा के इधर ले आएंगे, तो यहाँ माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में आ गया और यहाँ बचेगा 9d। अब हमें फाइंड करना है d, तो d को पहले रखेंगे, 9 और d को पहले रखेंगे और बाद में इसको रखेंगे। 9d इज इक्वल टू 18, यहाँ 9, अब ये 9 को बराबर करके बच देंगे, d इज इक्वल टू 18 अपॉन 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा d बराबर 2, क्योंकि 9 के टेबल में 18 2 बार आता है, तो 9 2 जाए 18 और d बराबर आ गया है, तो ये हमारा आंसर है। इसमें हमारे यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ आएगा 28, ये हमारे दोनों आंसर कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए।